इवनिंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशन करी थी. आज हम करेंगे इसकी म्यूटेशन की वजह से कौन कौन से जेनेटिक डिजीजेस हो सकती हैं. ठीक है, किसी भी जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से या फिर कोई क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन होने की वजह से क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, वो आज पढ़ेंगे हम. ठीक, इसके फोर टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है. एक है सिंगल जीन डिफेक्ट्स, या उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं. सिंगल जीन डिफेक्ट क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे सिर्फ एक ही जीन में डिफेक्ट हुआ है. ठीक है, सिंगल जीन में डिफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर्स विद मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा जीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर है या फिर स्पेसिफिक कोई करेक्टर है उसकी इनहेरिटेंस के लिए, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब वो जा रहा है तो वो एक से ज्यादा जो जीन्स हैं वो मतलब कि इसके लिए वो हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, या फिर मल्टीफैक्टोरियल मतलब जेनेटिक तो कॉज होगा ही, या फिर इन कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, या फिर कोई लाइफस्टाइल की वजह से भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है. ठीक है, तो वो बेसिकली दीज आर द डिसऑर्डर्स विद मल्टीफैक्टोरियल और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. नेक्स्ट है साइटोजेनिक डिसऑर्डर. साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम्स की कोई भी तो स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ज्यादा हो जाए कम हो जाए. ठीक है, तो वो इसमें साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं. नेक्स्ट है डिसऑर्डर शोइंग एटिपिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. तो हम एक एक करके इसको देखेंगे. फर्स्ट है हमारा सिंगल जीन डिसऑर्डर. सिंगल जीन डिसऑर्डर क्या होता है? बेसिकली अ जेनेटिक डिजीज कॉज्ड बाय अ सिंगल म्यूटेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए व्हिच कॉजेज अ सिंगल बेसिक डिफेक्ट विद द पैथोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, कोई सिंगल बेसिक डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से वो पैथोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. ठीक है, कुछ भी वो अपने आप को शो कर रहा है, जिसकी वजह से कोई डिजीज शो कर रही है अपने आपको, तो उसको बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर. इसके भी फोर टाइप्स होते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव. अब बेसिकली जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको पता है कि 22 पेयर्स जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं ना, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं. और एक आपका पेयर कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम, है ना. जो गर्ल्स में XX होता है और जो मेल्स होते हैं उसमें वो XY होता है. ठीक है, तो उसी से आपने ये देखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ठीक है, यहाँ पे जो एलील होगा वो डोमिनेंट होगा. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यहाँ पे जो एलील होगा वो रिसेसिव होगा आपका. और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर. ठीक है, ये जो एक्स लिंक्ड है ये लास्ट के दोनों, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम की वजह से इसमें कोई डिसऑर्डर आ रहा है. और बाकी के जो 22 पेयर्स होते हैं उनकी वजह से ये ऊपर वाले दो, ठीक है, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी वजह से ये पहले दो डिफेक्ट्स आ रहे हैं. तो ये पहले आप इसका बेसिक पेडिग्री ये समझ लीजिए क्या होता है. बेसिक्स तो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि जो स्क्वायर है वो आप इसको मेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सर्कल है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिजीज्ड है या फिर जो अफेक्टेड है कोई पर्सन तो वो ब्लैक से वो करेगा, रिप्रेजेंट कराएगा. और जो वाइट होगा वो हेल्दी होगा, और जो हाफ ब्लैक और हाफ वाइट होते हैं वो कैरियर होते हैं बेसिकली. ठीक है, और ये बेसिकली पेडिग्री क्या होता है? जनरेशन का चार्ट होता है. ठीक है, इनहेरिटेंस का चार्ट होता है. ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे करके. मतलब कि कोई जो करेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई भी ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, ठीक है, वो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है उसको हम पेडिग्री बोलते हैं. ओके, सो ये बेसिक सा है. सबसे पहले आते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट. अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तो अगर एक पेरेंट भी अफेक्ट होगा इसमें तो चांसेस हैं कि 50% जो ऑफस्प्रिंग हैं वो उनके अफेक्टेड ही होंगे, और 50% जो है वो अनअफेक्टेड होंगे. यहाँ पे कोई कैरियर नहीं होगा, या तो ऑफस्प्रिंग जो है वो अफेक्टेड होंगे या फिर वो अफेक्टेड नहीं होंगे. ठीक है, या फिर वो हेल्दी होंगे या फिर वो अनहेल्दी होंगे. ठीक है, अगर कोई भी एक पेरेंट यहाँ पे अफेक्टेड हुआ तो. ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है यहाँ पे वर्क कर रहा. और दूसरा क्या है इसमें? नो स्किपिंग है. नो स्किपिंग इन द सेंस कि ये हर एक जनरेशन में अपने आप को शो करेगा. ठीक है, हर जनरेशन में
ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होगा वो हर एक जनरेशन में आएगा आपके, ठीक है. फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है यहाँ पे, सेकंड जनरेशन में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है. तो ऐसे ऐसे करके ये हर एक जनरेशन में अपने आपको ये शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ये वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव. ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, पर पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं इसमें, ठीक है. रिसेसिव नहीं, रिसेसिव में क्या होता है वो बेसिकली कैरियर्स होते हैं. तो फिर इसमें चांसेस क्या होते हैं कि 50% जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी कैरियर ही होंगे, 25% चांसेस होते हैं, जो 25% यानी कि जो चार में से दो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैरियर होंगे, एक जो है वो अफेक्टेड होगा, मतलब उसमें डिजीज आएगी, और एक में डिजीज नहीं आएगी. और इसका हॉलमार्क होता है कि ये स्किपिंग होती है इसमें, मतलब कि ये एक जनरेशन में शो कर रहा है, फिर नेक्स्ट में ये शो नहीं होगा, ठीक है. फिर ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो फिर नेक्स्ट में शो होगा, फिर नेक्स्ट में नहीं शो होगा, ऐसे करके इसका मतलब ये इनहेरिटेंस का चार्ट ऐसे चलता है इसका, ठीक है. ये स्किपिंग शो करता है. नेक्स्ट है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. पहले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कर लेते हैं. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, जो इनहेरिटेंस है वो एक तो यहाँ पे स्किपिंग नहीं होगी, ठीक है. एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये आपने याद रखना है कि जो रिसेसिव होगा उसमें स्किपिंग होगी, और जो आपके डोमिनेंट है, ठीक है, उसमें स्किपिंग नहीं होगी. वो हर जनरेशन में अपने आपको शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी. अब यहाँ पे क्या है, जो हेट्रोजाइगस मदर है वो जो ट्रेट है वो 50% जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है. पर जहाँ पे अफेक्टेड फादर है, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जहाँ पर फादर अफेक्टेड है, वो फादर जो है वो सन को नहीं, सन को अपना एक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर है वो ट्रेट जो है वो नहीं भेजता, सिर्फ वो डॉटर्स में ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है. जो अफेक्टेड फादर है वो अफेक्टेड सन को अफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ डॉटर्स को ही अफेक्ट करता है, ठीक है. और इसमें स्किपिंग नहीं होती है. नेक्स्ट आता है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. इसमें क्या है कि जो हेट्रोजाइगस मदर्स हैं वो सारे ही जो बॉयज होते हैं, मतलब कि जो भी मेल्स होंगे उनमें वो शो करेगी अपना डिजीज जो है, उसमें सारे बॉयज में शो होगा, ठीक है. अब ये आगे एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ ये. और यहाँ पे जो है स्किपिंग होती है, ठीक है, एक इसमें शो होगा, फिर नेक्स्ट में शो नहीं होगा, फिर थर्ड में शो होगा, फिर फोर्थ में शो नहीं होगा, ठीक है. स्किपिंग दिखती है इसमें बीच बीच में. सबसे पहले आता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. तो बेसिकली जो ये पेडिग्री है उसमें क्या पता चलता है, द पेडिग्री इलस्ट्रेट द ट्रांसमिशन ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे. तो जो अफेक्टेड मेल और फीमेल हैं, ठीक है, जो भी अफेक्टेड मेल है या फिर फीमेल है विल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑन द ट्रेट टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है. एक्स लिंक्ड में मेल और फीमेल का होता है, यहाँ पे ऑटोसोमल में मेल और फीमेल का नहीं है. आप यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने ट्रेट जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को पास ऑन करेगा. ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव वन नॉर्मल. ठीक है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पास एक नॉर्मल कॉपी होती है जीन की और एक म्यूटेंट कॉपी होती है जीन की. पर जो वो म्यूटेंट कॉपी जीन की होगी वो डोमिनेंट है. ठीक है, इसलिए क्या है, thus each offspring has a 50% chance of inheriting the mutant allele. ठीक है, म्यूटेंट एलील जो है वो जब offspring में inherit होगा तो वो 50% chance है कि वो, अगर चार बच्चे हो रहे हैं तो दो में वो पक्का वो शो होगा ही होगा. ठीक है, और दो जो होंगे वो हेल्दी होंगे. Approximately half of the children of affected parents inherit the condition and half do not. Individuals with these diseases usually have one affected parent. ठीक है, ये inheritance pattern देख सकते हैं आप यहाँ पे. यहाँ पे इन्होंने light color से शो किया है अफेक्टेड. ठीक है, मतलब कि इनको डिसऑर्डर है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास जो डोमिनेंट एलील है वो यहाँ पे फादर के पास है. ठीक है, और मदर जो है यहाँ पे अनअफेक्टेड है. ठीक है, तो इससे क्या चांसेस हैं कि आपके पास एक दो सन हैं, जैसे अगर, ठीक है, एक के पास सन के पास एक्स वाई ही है. ठीक है, तो एक ने अपना एक्स जो है वो यहाँ से लिया, फादर से लिया, और सॉरी फादर से तो वाई ही लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली जो
जो अफेक्ट नहीं, सॉरी, ये तो रिसेस ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ओके, ये सेक्स वाला नहीं है इसमें, कुछ भी सेक्स लिंक्ड नहीं है इसमें, तो फिर ये ऑटोसोमल ही है. तो फिर ये एक इन्होंने जो अफेक्टेड एलील था वो इन्होंने फादर से लिया, और एक जो है अनअफेक्टेड एलील जो है वो इन्होंने मदर से लिया. तो यहाँ पे सन जो है वो अफेक्टेड हुआ, ठीक है. अब यहाँ पे जो अगर डॉटर हुई, तो यहाँ पे जो अफेक्टेड फादर से इन्होंने एक लिया और एक अनअफेक्टेड मदर से लिया, तो यहाँ पे डॉटर भी अफेक्टेड हो गई, और जो बाकी के दो हैं इन्होंने, ये दोनों अनअफेक्टेड रह गए. तो यहाँ पे 50% चांसेस हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड हैं, और 50% चांसेस हैं कि अनअफेक्टेड हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई भी कैरियर नहीं है. और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक होती है हंटिंगटन्स डिजीज, ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने आपको, जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. ये मेनली 30 और 40s की एज में ही ये होना स्टार्ट होता है, ठीक है. ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है. नेक्स्ट होता है एकोंड्रोप्लेजिया. ये क्या होता है? इसमें ड्वार्फिज्म होता है, ठीक है, जो जिनकी हाइट जैसे छोटी रह जाती है, ठीक है, जैसे कि उनके जो फेस होगा, ठीक है, जो उनका हेड होगा वो काफी बड़ा होगा, और जो उनके आर्म्स हैं और जो उनकी लेग्स हैं वो छोटी होंगी, ठीक है, और जो उनका जो टॉर्सो है वो थोड़ा सा एवरेज होगा. नेक्स्ट आता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज. इसमें नाम से पता चल रहा है कि किडनी में किडनीज में सिस्ट, बहुत सारे सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक एक एज में उसको रीनल फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है. पॉलिसिस्टिक किडनी होने की वजह से पेशेंट में वो किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट एक मार्फन सिंड्रोम भी होता है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, दैट अफेक्ट्स द बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का काम, कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, वो बेसिकली बॉडी को सपोर्ट करता है या बॉडी की ग्रोथ में काम आता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पे ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है मार्फन सिंड्रोम, ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है. म्यूटेशन इज इन द फाइब्रिलिन जीन. फाइब्रिलिन जो है वो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ऑफ माइक्रो फाइब्रिल्स इन इलास्टिन टिश्यूज. बेसिकली दे विल अफेक्ट द स्केल्टन, ठीक है, स्केल्टन जो भी स्केल्टन में, और जो आईज हैं और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, वहाँ पे ये वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो अफेक्ट होंगे यहाँ पे, ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड टॉल स्टेचर, ठीक है, पेशेंट जो होगा वो बहुत ही लंबा होगा, उसकी जो फिंगर्स होंगी वो बहुत ही लंबी होंगी, पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी होगी उसको, हाइपर एक्सटेंसिबल ज्वाइंट्स होंगे, ठीक है, तो ज्वाइंट्स जो है वो हाइपर एक्सटेंसिबल होंगे, जैसे हमारे ज्वाइंट्स जो हैं जो हम उसको थोड़ा ही एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उनके जैसे अगर वो ज्वाइंट्स अगर वो अपने मूव करेंगे तो उनका हाथ जो है वो नीचे तक भी पहुंच सकता है, ठीक है. जो आपने कई बार इसमें भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जिनको ज्वाइंट्स जो हैं वो उनके बिल्कुल ही एक्सटेंसिबल होते हैं, ठीक है, हाइपर एक्सटेंसिबल होते हैं. उनका हाई आर्क पैलेट होगा, ठीक है, बाइलेटरल सबलक्सेशन ऑफ लेंस होगा. लेंस मतलब कि सबलक्सेशन मतलब कि जो डिसलोकेशन, स्लाइटली डिसलोकेट हो जाते हैं ये लेंस जो है आपकी आई में, दोनों आईज के जो लेंस हैं वो स्लाइटली डिसलोकेट हो जाएंगे. और मिट्रल वॉल्व जो है, हार्ट की जो मिट्रल वॉल्व है वो थोड़ी सी फ्लॉपी हो जाएगी, एओर्टिक एनरिज्म हो जाएगा, और स्किन में और जो लंग्स में थोड़ा बहुत डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. मार्फन सिंड्रोम के बेसिकली फीचर्स हैं. मार्फन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन फाइब्रिलिन जीन्स. फाइब्रिलिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. फाइब्रिलिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और माइक्रोफिल्स फाइब्रिल्स दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. तो बेसिकली ये जो फाइब्रिलिन है वो क्या करता है, जो आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं या फिर जो माइक्रो फाइब्रिल्स हैं उसकी फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है. फाइब्रिलिन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इसके फॉर्मेशन में काम आता है, और इट विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द कनेक्टिव टिश्यू. सो जो कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स द बॉडी टूगेदर एंड हेल्प्स कंट्रोल द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है. जो टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं उसकी ग्रोथ में और रिपेयर में उसमें काम आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रिलिन नॉर्मली इज अबंडेंट इन कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एओर्टा, ठीक है. ये फाइब्रिलिन कहाँ पे होता है? ज्यादातर एओर्टा में होता है, ठीक
तभी अगर ये जब फाइब्रिलिन में कुछ म्यूटेशन हो गए तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे एओर्टा में सबसे ज्यादा मिलता है, एओर्टिक एनुरिज्म भी तभी होता है, एंड इन लिगामेंट्स दैट होल्ड द आई लेंसेस इन द प्लेस, दैट्स व्हाई दे सेड दैट सबलक्सेशन ऑफ आई लेंसेस ऑफ बोथ द आईज, ठीक है। तो बेसिकली जो लेंस होते हैं अपने आईज, जो लेंस होते हैं उनमें उनको जो लिगामेंट है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कुछ लिगामेंट्स होती हैं जो उनको होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे भी ये फाइब्रिलिन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर फाइब्रिलिन जो है वो नॉर्मल नहीं होगा वहाँ पे तो वो जो लेंसेस हैं वो डिसलोकेट हो जाएंगे, है ना, सबलक्सेशन ऑफ लेंसेस हो जाएगा वहाँ पे एंड इन बोन्स एंड द लंग्स, दैट्स व्हाई बोन्स मतलब कि तभी वो जो उनकी फिंगर्स हैं वो बहुत लंबी हो जाएंगी और हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्यों क्योंकि इस जगह में ये काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है फाइब्रिलिन। हाउ फाइब्रिलिन इज रिलेटेड टू मार्फन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन चेंजेस और म्यूटेशन इन वन मेंबर ऑफ पेयर ऑफ फाइब्रिलिन जीन्स, ठीक है। फाइब्रिलिन जीन जो है, ठीक है, टू में से एक मेंबर में वो म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बॉडी प्रोड्यूसेस फाइब्रिलिन दैट डज नॉट वर्क, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और जो कनेक्टिव टिश्यू वो बनता है जो कि एज स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए, ठीक है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड, इसीलिए जो बॉडी की जो भी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो वहाँ पे अफेक्टेड हो रही है, पर्टिकुलरली इन द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ एओर्टा आई एंड स्किन, ओके। इट कॉजेज ओवर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट की हाइट बहुत ही लंबी हो जा रही है, ठीक है, रिजल्टिंग इन टॉल हाइट, लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स एंड अ वीकेंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्यों क्योंकि वो एओर्टा में ज्यादा मिलता है, इसीलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो उसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो वीक होता है, उसकी जो हार्ट में जो वॉल्व्स होती हैं, ठीक है, मिट्रल वॉल्व या जो ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो है ये भी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूटिस हाइपर इलास्टिका, इसको एलर डेनलॉस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्ट्स इन कोलेजन सिंथेसिस या फिर कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली जो कोलेजन कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, कोलेजन की सिंथेसिस में डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का कोलेजन भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली इंक्लूड्स द स्किन, कैसी स्किन होती है इसमें, फ्रेजाइल स्किन होती है और हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन होती है। यहाँ पे आप इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे जो पेशेंट के कान जैसे खींच रहे हैं तो वो हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो वो कान बहुत ज्यादा खींच सकता है, ठीक है, उसकी जो स्किन होगी आप हम एक लेवल तक ही अपनी स्किन खींच सकते हैं, वो उसकी हाइपर एक्सटेंसिबल या हाइपर इलास्टिक स्किन होगी तो वो काफी ज्यादा खींच सकता है अपनी स्किन को, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर मोबाइल ज्वाइंट्स, ठीक है, ज्वाइंट्स जो है उसके बहुत ही ज्यादा हाइपर मोबाइल होंगे, यहाँ पे दिखाया इन्होंने जॉइंट्स, ठीक है, जैसे आपका हाथ है आप एक एक्सटेंड तक ही मोड़ सकते हैं, ठीक है, उनका हार्ट जो है वो यहाँ तक पहुंच जाता है, इस फिगर में बताया इन्होंने, ठीक है। फिर ये पैरों का दिखाया है इन्होंने कि पैरों का जो जॉइंट है, ठीक है, एंकल जॉइंट है वो भी हाइपर एक्सटेंसिबल है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्किन को दिखा रहा है, स्किन भी इसकी हाइपर एक्सटेंसिबल है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ जाता है इस डिजीज में, ठीक है। Rupture of internal organs like colon, cornea and large arteries and poor wound healing, ठीक है, ये सब जो है इसमें किसमें होगा, cutis hyper elastic का। Next आता है हमारा autosomal recessive disorder, recessive मतलब यहाँ पे dominant नहीं है, जो allele है वो दोनों recessive है, ठीक है, वो dominant नहीं है यहाँ पे। Recessive conditions are clinically manifest only when an individual has two copies of mutant allele, ठीक है, ये condition तभी manifest होगी, ठीक है, ये condition जो है वो clinically अपने आप को तभी manifest कर पाती है जब किसी individual के पास two mutant allele है, किसी के पास अगर एक ही mutant allele है
तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अनलाइक दैट डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में अगर उसके पास एक भी एलील, म्यूटेंट एलील है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. क्यों? क्योंकि वहां पे वो डोमिनेंट एलील है. बट इन केस ऑफ रिसेसिव रिसेसिव कंडीशन, जो क्लिनिकल रिसेसिव कंडीशंस आर क्लिनिकली मैनिफेस्ट ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू कॉपीज ऑफ म्यूटेंट एलील. ओके, व्हेन जस्ट वन कॉपी ऑफ म्यूटेंट एलील इज प्रेजेंट, एन इंडिविजुअल इज द कैरियर ऑफ द म्यूटेशन बट डज नॉट डेवलप द कंडीशन. ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक ही म्यूटेंट एलील है और एक नॉर्मल कॉपी है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एज अ कैरियर काम करेगा, वो उसमें वो मतलब कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वहां पे, ये एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं होगी वो कंडीशन वहां पे, बट वो एक कैरियर का काम करेगा. ठीक है, फीमेल्स आर एंड मेल्स आर अफेक्टेड इक्वली बाय ट्रेट्स ट्रांसमिटेड बाय द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. ठीक है, तो बेसिकली जो ऑटोसोमल जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो इक्वली इक्वली मतलब वो ट्रेट्स को ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, देन टू कैरियर्स मेट, टू कैरियर्स मतलब ये दोनों रिसेसिव हैं. ठीक है, रिसेसिव हैं पर मतलब कि उनके पास रिसेसिव एलील हैं दोनों के पास, ये दोनों कैरियर हैं. ठीक है, देन दे बोथ मेट, देन चांसेस क्या है कि ईच चाइल्ड हैज 25% ऑफ बीइंग होमोजाइगस वाइल्ड टाइप मतलब अनअफेक्टेड एंड 25% ऑफ बीइंग होमोजाइगस म्यूटेंट एलील. होमोजाइगस मतलब कि सेम, मतलब कि वो कैरियर नहीं होगा. ठीक है, हेट्रोजाइगस क्या है वो कैरियर होगा और होमोजाइगस क्या है वो कैरियर नहीं है, उसके पास दोनों एक ही टाइप के जीन्स हैं. ठीक है, हो सकता है कि वो होमोजाइगस वाइल्ड टाइप है यानी कि अनअफेक्टेड है. ठीक है, दोनों ही उसके पास अनअफेक्टेड एलील आ गए हैं, या फिर उसके पास हो सकता है कि दोनों ही अफेक्टेड म्यूटेंट जो म्यूटेंट एलील आ गए हैं दोनों, तो फिर वो अफेक्टेड हो जाएगा. और 50% चांस है कि वो एक कैरियर की तरह काम करेगा. ठीक है, हेट्रोजाइगस होगा वो. यहाँ पे आप देख सकते हैं पैटर्न इसका. टिपिकली मेटिंग पैटर्न इज टू हेट्रोजाइगस अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अफेक्टेड नहीं है, ना ही मेल अफेक्टेड है ना ही फीमेल अफेक्टेड है, ये क्लिनिकली अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, बट दे बोथ आर द कैरियर्स. अब यहाँ पे चांसेस क्या है कि हो सकता है कि जो एक जो है वो जैसे चार ऑफस्प्रिंग हैं, तो चार में से जो दो होंगे वो दोनों कैरियर होंगे. ठीक है, और जो एक है, चार में से जो एक है वो अफेक्टेड होगा, चार में से जो एक है वो अनअफेक्टेड यानी कि हेल्दी होगा. ठीक है, दो कैरियर होंगे, एक अफेक्टेड होगा और एक अनअफेक्टेड होगा. और जो ऑटोसोमल डोमिनेंट था उसमें 50% मतलब कि दो जो थे वो अफेक्टेड थे और दो जो थे वो हेल्दी थे. ठीक है, वहां पे कैरियर नहीं थे, यहाँ पे कैरियर हैं. ठीक है, ये बेसिकली आगे डिजीज को कैरी ऑन कर सकते हैं. ठीक है, द ट्रेट डज नॉट यूजुअली अफेक्ट द पेरेंट बट सिबलिंग्स मे शो द डिजीज. ठीक है, इन सब सिबलिंग्स में से हो सकता है कि एक जो है वो डिजीज को शो करे, क्लिनिकली मैनिफेस्ट करे. सिबलिंग्स हैव वन चांस इन फोर ऑफ बीइंग अफेक्टेड. ठीक है, बोथ सेक्सेस अफेक्टेड इक्वली. ठीक है, तो बेसिकली जो ऑटोसोमल डिजीजेस हैं उसमें जो दोनों ही मेल्स हैं या फीमेल्स हैं उनके दोनों इक्वल चांसेस होते हैं, हो सकते हैं कि भाई वो अफेक्टेड हों. कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? एक तो ये कहता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस. सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, इट डैमेजेस द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. इट अफेक्ट द सेल्स दैट प्रोड्यूस द म्यूकस स्वेट एंड डाइजेस्टिव टिश्यू डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, जो सेल्स जो भी आपके म्यूकस या फिर स्वेट या फिर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये अफेक्ट कर रही है, ये इस जीन के अफेक्ट होने के कारण. ठीक है, इट कॉजेज दीज फ्लूइड्स टू बिकम थिक. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये जो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, म्यूकस है या डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो थिक हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं और वो सिस्ट की तरह बन जाते हैं. ठीक है, देन दे प्लग अप द ट्यूब्स. ठीक है, वो बेसिकली वहां पे ट्यूब्स को या डक्ट्स को या जो पैसेज वेज होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है, वहां पे वो प्लग अप करेंगे. नेक्स्ट है टेशियस डिजीज. ये भी इसमें भी जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं,
वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, हीमो मतलब यहाँ पे टू मच आयरन है, ठीक है, आयरन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी में, एक्सेस आयरन कैन पॉइजन द ऑर्गन्स, ठीक है। जो एक्सेस आयरन अगर बॉडी में हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो पॉइजन हो जाएंगे, ठीक है, विच कैन लीड टू कैंसर या फिर इरेगुलर हार्ट बीट या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है उसमें पेशेंट को। नेक्स्ट है मेरा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो पी के यू है, इसमें द लेवल्स ऑफ फिनाइल एलेनिन जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और अगर ट्रीट नहीं होता है तो फिर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो एक्स लिंक्ड इसमें है कि भाई इसमें एक्स लिंक्ड ही है इसमें और वाई लिंक्ड नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि वाई लिंक्ड जो अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो वो पहली बात तो वो सिर्फ मेल में ही होगा और वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। वो वाई लिंक्ड जो डिजीजेस होती हैं वो ज़्यादातर जो आपके बाल्डनेस होती है, ठीक है, जो बाल्डनेस है वो पैटर्न्ड बाल्डनेस होती है, वो ज़्यादातर आपके फादर से आपको ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, वो वायलेंट डिसऑर्डर होता है, वो इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं वायलेंट डिसऑर्डर होने के लिए, इसलिए एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ही ज्यादातर इसमें करते हैं। तो बेसिकली मोस्टली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड ओनली इन मेल्स, ठीक है, मेनली जो है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो ज्यादातर मेल्स में ही एक्सप्रेस होते हैं पर फीमेल्स में नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि फीमेल्स के पास आपको पता है कि एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और मेल्स के पास क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। तो जो मेल्स के पास जो एक्स वाई क्रोमोसोम है, जो वाई क्रोमोसोम है वो तो आपका फादर से आएगा, जो एक्स क्रोमोसोम है वो आपका आता है मदर से, ठीक है। अब फीमेल की केस में क्या है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो अगर किसी के पास अगर कोई एक म्यूटेंट वो एलील भी है अगर, तो उसके पास जो दूसरा वाला होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है, तो वो उसको कंपनसेट कर देता है, ठीक है। तो जो दूसरी कॉपी होती है, जो म्यूटेंट कॉपी होती है, वो नॉर्मल कॉपी जो है वो म्यूटेंट कॉपी को कंपनसेट कर देती है, तो वहां पे इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है, डिजीज के मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। फीमेल जो है वो बहुत ही रेयर चांस है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसकी जो डिजीज है वहां पे वो एक्सप्रेस हो, वो तभी एक्सप्रेस होगी अगर वहां पे फादर जो है, फादर का भी एक एक्स जो वहां से वो ले, वो भी क्या बोलते हैं, रिसेसिव हो उसका, ठीक है, फादर से जो एलील हो वो भी म्यूटेंट हो और जो मदर से एलील ले वो भी म्यूटेंट हो, वो तभी हेटरोजाइगोट जो होगा वो तभी वहां पे वो अपना एक्सप्रेस कर सकेगी डिजीज, ठीक है, पर चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, यूजुअली ये मेल्स में ही एक्सप्रेस होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एंड अनअफेक्टेड वुमेन कैरीज वन कॉपी ऑफ जीन म्यूटेशन फॉर एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, शी हैज एन अफेक्टेड सन, ठीक है, उसके पास एक कॉपी जो है वो म्यूटेंट कॉपी है और एक जो है नॉर्मल है, तो उससे चांसेस क्या है कि वो उसके पास एक अफेक्टेड सन होगा और एक अनअफेक्टेड डॉटर होगी, हु विल कैरी द वन कॉपी ऑफ म्यूटेशन एलील, म्यूटेटेड एलील, एंड टू अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव द म्यूटेशन। फीमेल बेसिकली दे कैरीज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑफन हैव नो सिम्टम्स, ओके, दे कैरी वन नॉर्मल कॉपी एंड वन एबनॉर्मल कॉपी, सो द नॉर्मल कॉपी कंपनसेट द एबनॉर्मल कॉपी, ओके, इतना समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने अब एक्स लिंक्ड इसमें डिसऑर्डर में इन्होंने दो चांसेस बताए हैं इन्होंने, ठीक है, एक तो हो है कि फादर जो है यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, फादर जो है वो हेल्दी है और जो मदर है वो कैरियर है, ठीक है, अफेक्टेड वो भी नहीं है पर वो कैरियर है, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है तो वो कैरी कर रही है म्यूटेंट एलील को, ये कैरी कर रही है और एक इसका नॉर्मल एक्स है, ठीक है, तो इसमें चांसेस क्या है, पहला है कि
सन, पहले तो आप जो लड़के हैं उनको देख लीजिए, ठीक है, जो सन होगा, एक चांस है कि अफेक्टेड सन होगा और एक है कि अनअफेक्टेड सन होगा. जो अनअफेक्टेड सन है वो वाई तो ऑब्वियसली वो फादर से ही लेगा, ठीक है, और जो ये है आपका जो एक्स है वो एक ने ले लिया नॉर्मल नॉर्मल एलील, ठीक है, और एक ने ले लिया एबनॉर्मल एलील. अब जिसके पास एक एबनॉर्मल एलील आ गया और दूसरा तो उसके पास वाई है, ठीक है, तो वो कंपनसेट तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वो सन को डिसऑर्डर जो है वो शो हो ही जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिसऑर्डर जो है वो मैनिफेस्ट होगा ही, क्लिनिकल फीचर्स जो है वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होंगे ही, ठीक है. और डॉटर्स जो होंगी, एक जो है वो अनअफेक्टेड होगी और एक डॉटर जो है वो कैरियर होगी, ठीक है, यहाँ पे डॉटर जो है वो कैरियर होगी, वो मतलब वो अफेक्टेड नहीं होगी, यहाँ पे ये कैरियर ही होगी. कहाँ पे? जहाँ पे मदर है कैरियर और फादर है अनअफेक्टेड, ठीक है. सो डिजीज यूजुअली पास्ड ऑन फ्रॉम कैरियर मदर, ठीक है. जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि जो डिजीज पास ऑन कैसे होगी, यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में फ्रॉम द कैरियर मदर, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मेल ऑफस्प्रिंग, फीमेल्स आर बेसिकली द कैरियर्स, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी, वो सिर्फ कैरियर्स ही काम करेंगी. स्किप्ड जनरेशंस आर सीन कॉमनली and in this case reoccurrence is the half of the son are affected and half of the daughter are carriers. Next hai aapka agar father affected hai aur mother unaffected hai, theek hai, ye bhi x linked recessive disorder mein hi hai. Agar aapka father affected hai aur mother unaffected hai to isme chances kya hai? Father se to dekhiye aap isko y hi aayega, theek hai, aur mother se एक्स एक्स आएगा, ठीक है, तो एक्स ये दोनों नॉर्मल ही हैं, ठीक है, तो जो सन होंगे वो दोनों ही अनअफेक्टेड रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, सन जो होंगे, ठीक है, जो लड़के होंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बट जो इसके डॉटर होगी, ठीक है, जो यहाँ पे डॉटर्स होंगी ये कैरियर काम करेंगे, ठीक है. ऑल द डॉटर्स आर हेटरोजाइगस कैरियर एंड ऑल द सन्स आर होमोजाइगस नॉर्मल, ठीक है, होमोजाइगस नॉर्मल. क्यों? क्योंकि वाई तो नॉर्मल ही है, एक्स तो एक्स फादर से नहीं आएगा, एक्स इसका मदर से ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए जो सन होंगे वो होमोजाइगस नॉर्मल होंगे और जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी. देर इज नो फादर टू सन ट्रांसमिशन बट देर इज फादर टू डॉटर, ठीक है, ट्रांसमिशन जो है वो फादर से सन को नहीं हो रहा है बट फादर से डॉटर को हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट है आपका X-linked dominant disorder, ठीक है. X-linked dominant disorder में क्या है? Are caused by variants in gene on the X chromosome in male, a variant in the only copy of the gene caused the disorder, ठीक है. जो male में जो dominant allele होगा वो male में अगर होगा X जो है, ठीक है, X पे अगर वो dominant allele होगा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा अपना डिसऑर्डर. इस चार्ट को देख लीजिए आप पहले, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड करके लगाया है इसमें, तो फिर इसलिए आपको यहाँ पे अलग दिखेगा कलर. यहाँ पे इन्होंने जो लाइट कलर है वो अनअफेक्टेड के लिए किया है और जो डार्क कलर है वो अफेक्टेड के लिए किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फादर जो है वो अनअफेक्टेड है और मदर जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है, पर यहाँ पे जो एलील है वो आप याद रखिए कि डोमिनेंट है तो वो शो होगा ही, ठीक है. तो चांसेस क्या है इसमें, जो जो इनके सन है, ठीक है, वो एक अफेक्टेड सन होगा और एक अनअफेक्टेड सन होगा, ठीक है, वाई तो वो दोनों फादर से ही लेगा, ठीक है, पर एक एक्स जो है वो नॉर्मल होगा, अगर नॉर्मल एक्स लेगा वो मदर से तो फिर वो अनअफेक्टेड सन होगा, बट अगर वो जो इसका म्यूटेंट कॉपी लेगा, अगर एक एक्स यहाँ से और दूसरा वाई यहाँ से लेगा तो वो अफेक्टेड सन हो जाएगा, ठीक है, और डॉटर में भी सेम ही होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स जो है ये फादर का तो एक्स जो है ये नॉर्मल ही है और अगर ये यहाँ से म्यूटेंट कॉपी ले लेती है तो एक जो डॉटर है वो आपकी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, और एक जो है वो अनअफेक्टेड डॉटर रहेगी, ठीक है. अब अफेक्टेड फादर होगा और अगर अनअफेक्टेड मदर होगी तो क्या होगा, चांसेस क्या है कि जो डॉटर्स हैं वो हमेशा
इस केस में अगर फादर आपके ये हैं अफेक्टेड हैं और मदर जो है अनअफेक्टेड है, तो वो जो डॉटर्स हैं वो हमेशा अफेक्टेड ही रहेंगी और सन जो है वो अनअफेक्टेड ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि एक्स जो है डोमिनेंट एलील ये फादर से ले रही है एक, और एक मदर से ले रही है, ठीक है. तो जो डोमिनेंट एलील है वो तो इसको शो होगा ही होगा, ठीक है. और फादर फादर से जो वॉयस है वो तो वाई ले रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए, और मदर से तो एक्स ले रहे हैं, और मदर जो है वो अनअफेक्टेड है, दैट्स वाई जो सन होंगे यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे और डॉटर्स जो है वो अफेक्ट होंगी.